अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट पर और मैंने केक की वीडियो बनाई है। तो ये मेरा पास कल ऑर्डर आया था, ज़ीशान खान रोकड़ी के को डिलीवर करवाना था ये केक, लेकिन ये उनके किसी फ़ैन ने उनके फ्रेंड ने बनवाया था केक एज ए सरप्राइज़ गिफ्ट ना। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, पहले पिछले साल तो उनको याद थी इनकी बर्थडे, इस साल उनको नहीं याद रही, मुझे एमरजेंसी में ऑर्डर दिया, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैंने बनाना शुरू किया, मैंने आपको पता है कि चॉकलेट फज केक जो होता है वो ज़रा अच्छे तरह से स्टेबल हो जाता है, तो मैंने उसी को ही प्रेफर किया कि मैं यही बनाती हूँ। जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैंने आइसिंग की, स्पंज बनाया, डन किया सारा, मैंने काफ़ी मुझे टाइम हो गया था इसको करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि स्पंज बनाएं उसे ठंडा करती हैं। फिर मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन सजेस्ट किया, तो उनको ये वाला कस्टमर को डिज़ाइन पसंद आया था, फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया उसके बाद इसको मैंने फुल राइटिंग वगैरह बना कर तो डन किया। डन करके मैंने ना फ्रिज में अभी मैंने रखा ही था कि मेरे कस्टमर का मुझे मैसेज आ गया। ओहो, जब मैंने देखा तो उन्होंने मैसेज किया हुआ था, मैसेज में मुझे उन्होंने कहा कि आपने केक बनाना स्टार्ट तो नहीं किया, तो मैंने कहा कि नहीं ये तो ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज किया था। एनीवेज़ फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपको पिक्चर्स वगैरह भेजती हूँ, उन्होंने कहा जी मुझे पिक्चर और वीडियो सेंड कर दें आप, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो अभी घर पर नहीं है। फिर मुझे डाउट हुआ कि लास्ट टाइम भी जब मैंने उनके घर केक भिजवाया था तो वो आई थिंक आउट ऑफ सिटी थे, तो उनके घर मैंने केक तो डिलीवरी करवा दी थी, उन्होंने 2 डेज़ बाद आना था, लेकिन वो नेक्स्ट डे ही आ गए थे, तो फिर मतलब चलें अच्छा रह गया ना एक्सपीरियंस। तो अब मैं यही सोची थी कि ये ना हो कि वो आउट ऑफ सिटी हो, मैं थोड़ी सी परेशान होगी थी, तो लेकिन फिर मैंने कहा कोई खैर नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक है। मैंने अपना केक सारा डन किया, राइटिंग वगैरह की फुल कंप्लीट करके मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया। इसकी लुक बहुत प्यारी आई थी, ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये छोटू सा केक ही लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। बहरहाल ये मैंने फिर पैक वगैरह किया, उन्होंने 2 घंटे के बाद मुझे मैसेज किया कि आप ये डिलीवर करवा दें, फिर मैंने इसको पैक किया, ये सरप्राइज़ गिफ्ट था, मैंने पैक करके इनको डिलीवर करवाया। ये आप इसकी पैकिंग भी देखेंगे लास्ट में। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।